बहुत खुशी का दिन है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 5:30 और मैं सो के जग गई हूँ। तो अभी फेस से भी लग रहा होगा आपको, मैं भी सो के ही जगी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले ना ब्रश कर लेती हूँ और उसके बाद सौरभ के लंच की तैयारी करूंगी, सौरभ को स्कूल भेज दूंगी और उसके बाद जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, नहाना भी है, पूजा भी करना है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से जितना हो सकेगा शेयर करूंगी फ्रेंड, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। तो वो क्या खुशी है मैं आगे आप लोगों को शेयर करूंगी फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं सौरभ को भेज चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो उसका लंच का मैं सूट नहीं की फ्रेंड, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सूट करने में और आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी है। तो उसको भेजने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ और एक तरफ मैंने सब्जी रख दी है और एक तरफ दाल, और मैं वह मिक्सी में चटनी पीस रही हूँ फ्रेंड। तो मैं आज बहुत स्पीड से काम कर रही हूँ फ्रेंड, और आज मैं मतलब सिर्फ है ना झाड़ू की हूँ और कुछ भी अभी तक नहीं किया है मैंने काम। और इधर मैं डायरेक्ट आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने बताया जैसे कि मुझे आज जाना है बहुत ज़रूरी काम से कहीं, तो आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं रुक कर या बैठ कर कुछ मतलब मोबाइल भी चलाऊँ या फिर किसी से बातें भी करूँ। तो मेरा सारा काम हो गया फ्रेंड, और नहा के मैंने पूजा भी कर लिया है, बस अभी खाना बाकी है। तो अभी नहीं खाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि बहुत देर हो गई है, कई बार कॉल आ गया है। तो फ्रेंड खाना भी नहीं खाऊंगी, आके खाऊंगी, अगर बीच में अगर मौका मिला तो आऊंगी, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ तो आप लोगों को भी मैं ले चलती हूँ साथ फ्रेंड्स। फिर वहाँ से अगर मौका मिला तो बीच में आऊँगी खाना खाने, अगर नहीं मिला तो इकट्ठे शाम को आऊँगी। तो देखती हूँ जैसा होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड मैं आ गई हूँ प्लॉट पे, और यहाँ मैं नीचे से शूट करते हुए ऊपर जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ नीचे देखिए ये ना जो है मसाला मिलाते हैं ना, सीमेंट बालू और छर्री, तो उसको मिलाने वाला मशीन नीचे ही फिट किया गया है, क्योंकि वो छत पे तो जा नहीं सकता है फ्रेंड्स। और वहाँ मज़दूर भाई लोगों का साइकिल भी लगा हुआ था पूरा, जितने मज़दूर भाई लोग आए हैं। तो मैं डायरेक्ट जा रही हूँ छत पर, वहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ। और फ्रेंड मैं पिछले 2-3 महीनों से जो भी मेरे घर में काम हो रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है, सबसे बड़ा दिन हमारे लिए। और ये फ्रेंड मैं ऊपर पहुँच गई हूँ, और यहाँ तो फ्रेंड इतनी ज़्यादा शोर हो रही है कि ना कान मतलब ऐसा लग रहा है कान का पर्दा फट जाएगा बहुत तेज़ी, क्योंकि 2-3 तरह का ना यहाँ मशीन चल रहा है। एक तो नीचे वहाँ सीमेंट जो बोलते हैं ना मिक्स करते हैं वो वाले, और फिर ये ट्रॉली जैसा बना हुआ है इसी से ऊपर आता है। तो एक ये हो गया, और एक सीमेंट जो है ना भरने के लिए पता नहीं उसे क्या तो नाम ये लोग बोल रहे थे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा फ्रेंड्स। तो यहाँ 3 तरह के जो है मशीन बोलिए मोटर बोलिए वो चल रहे थे, जिसके कारण कान में मतलब बिल्कुल भी है ना बहरे हो रहे थे, एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे हम लोग यहाँ फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने यहाँ म्यूट कर दिया फ्रेंड। तो मैं बता रही थी फ्रेंड्स कि मेरा जो है ना आज हम लोगों का जो बोलते हैं ना सपना, आज एक तरह से कुछ हद तक पूरा हुआ है फ्रेंड्स। क्योंकि ये मुझे लगता है दुनिया के हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, खुद का घर हो फ्रेंड्स। और हमारा अपना घर नहीं था फ्रेंड्स अभी तक, क्योंकि हम लोग अभी तक किराए में ही रह रहे थे। वैसे हम लोग के ससुराल में जो है जो बोलते हैं ना पुश्तैनी घर जो है वो तो है, लेकिन वो गांव में है तो वहाँ कोई रहना नहीं चाहता फ्रेंड्स। तो सबने अपना अपना बना लिया है टाउन में ही, तो हम लोगों ने भी ये है ना बना तो काफ़ी साल पहले से रहे हैं, बट पूरा नहीं हो पा रहा था फ्रेंड, किसी न किसी कारण से काम में अड़चन आ रही थी तो नहीं हो पा रहा था। जबकि हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर जो है 6-7 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया था, मगर ये सेकंड फ्लोर बनाने में हम लोगों को जो है काफ़ी समय लग गया फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ ऐसी है ना बाधाएं है होती है फ्रेंड्स, जो कि है ना मतलब काम को आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो कुछ ऐसा ही कारण था फ्रेंड हमारे घर का। तो खैर वो बात की बात है फ्रेंड, मैं कभी अगर शेयर करूँगी तो पूरी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड यहाँ जो जितना पिलर है सबसे पहले उसको भरा जा रहा है, पहले सारे पिलर को भरने के बाद इसको पूरे छत को बराबर किया जाएगा। और आज के दिन फ्रेंड हमारे यहाँ सबका आना जाना लगा हुआ, यानी कि गुतिया से भी और फ्रेंड सर्कल से भी और इनके स्टाफ वगैरह भी,
तो सभी है ना आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो सबके लिए नाश्ता वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ढलाई में तो ऐसे भी सबको है ना खाना खिलाया जाता है, बट सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि एक समय में कोई नहीं आ रहे हैं। तो मजदूर भाई लोगों के लिए खाना का इंतज़ाम किया गया है, बाकी सबके लिए है ना नाश्ता का अरेंजमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं चल रही थी इस पर बहुत पैर संभाल संभाल के, क्योंकि डर भी लग रहा था कि कैमरा को मतलब ये शूट करते करते कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ। और ये फ्रेंड मैं ऊँचे ऊपर से ही थोड़ा सा नीचे शूट की हूँ, तो ये कितना देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, और नीचे भी काम हो रहा है ऊपर भी, और सभी जो मजदूर भाई लोग हैं और मिस्त्री भाई लोग हैं बिल्कुल मशीन की है ना स्पीड की तरह काम कर रहे थे। फ्रेंड्स, तो देख के इन लोगों को लग रहा था कि कितनी ये लोग मेहनत करते हैं। फ्रेंड्स, और हम लोग थोड़ा सा सीमेंट बालू अगर छू लेते हैं तो ऐसा लगता है ना कि बस हाथ रूखा हो गया, तो ड्राई हो गया स्किन। और ये लोग देखिए दिन भर इसमें सन के काम करते हैं, और कितना मेहनत का काम है ये। फ्रेंड्स, तो इन लोगों को तो मेरे तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि इतना मेहनत का काम इन लोगों से ही संभव है, हम लोग तो बस सोच ही सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जब भी अपने प्लॉट का वीडियो डालती हूँ, कुछ भी थोड़ा भी मैं अगर इसका सीन डालती हूँ, तो मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और कुछ मेरी फ्रेंड्स को मतलब मेरा ये प्लॉट बहुत अच्छा लगता है कि आपका घर बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत हरियाली है। तो हाँ फ्रेंड, मेरे घर के आसपास काफ़ी हरियाली है, तो मुझे भी ऐसा खुला खुला जगह बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, वैसे मेरा सपना तो कुछ और था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ कभी भी बसना नहीं चाहती थी, यहाँ नहीं रहना चाहती थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स, तो वो रीज़न मैं कभी ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी फ़िलहाल वो सही समय नहीं है रीज़न शेयर करने का। मैं क्यों नहीं रहना चाहती थी यहाँ इस शहर में, तो इसका भी एक कारण है फ्रेंड, कभी बताऊँगी। तो मेरा तो सपना कुछ और था फ्रेंड, मुझे और कहीं बसने का था, लेकिन बोलते हैं ना जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। तो कुछ ये था कि मेरा जितना मन था तो मेरे हस्बैंड का मन नहीं था, और कुछ होता है कि मेरे हस्बैंड को सलाह देने वाले भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी भी इस बात के लिए इनको एग्री नहीं किया, जिसकी मुझे बहुत बोलते हैं ना तकलीफ़ है। बहुत लोगों पर मैंने ना बहुत भरोसा किया, बट भरोसा मेरा टूटा है फ्रेंड्स। तो खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अब जो भी है मेरे पास, मैं इसको ही है ना इसी में ही खुश रहूँ, और कोशिश करूँ कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँ ऐसे लोगों पर जो कभी आपके नहीं हो सकते। और यहाँ फ्रेंड मैंने कैमरा जो है किसी को पकड़ा दिया है, यानी कि मेरी फैमिली का वो पोता ले गया, तो वो पूछ रहे थे कि आपके है ना ये यूट्यूब का पेमेंट आया है क्या, आप उसी से है ना छत ढलाई करवा रही हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई फ्रेंड्स, कि कहाँ यूट्यूब का पेमेंट, पता नहीं कब वो दिन आएगा कि मतलब मैं यूट्यूब के पेमेंट से अपना छत ढलाई करवाऊँ। तो मैंने उसे कहा आपके मुँह में घी शक्कर, आप मनाओ कि मैं जो तीसरा छत अपना ढलाई करूँ, तीसरा मंजिला, तो मैं अपने यूट्यूब पेमेंट से ही ढलाई करूँ। तो बड़ी हंसी आ रही थी मुझे उसकी बात पर, यहाँ व्यूज़ के लाले पड़े हुए हैं और इसे यूट्यूब पेमेंट की है ना मुझे बता रहा है, सुना रहा है। तो मुझे बहुत हंसी आई फ्रेंड्स। और इस समय फ्रेंड ना लगभग दोपहर के 1:30 हो गए हैं, 1:30 बज गए हैं फ्रेंड्स। तो मजदूर भाई लोग सुबह से ही लगे हुए हैं, यानी कि 4 बजे ही है हमारे यहाँ वो जो है मशीन आ गया था सीमेंट मतलब घोलने वाला, मिलाने वाला, तो उसको है ना फिट वगैरह करने के लिए सुबह से ही लोग कर रहे थे। तो सभी मजदूर भाई को अब काफ़ी भूख भी लग गई होगी, तो है ना थोड़ी देर के लिए काम यहाँ रोका जाएगा। वैसे ढलाई रोका नहीं जाता फ्रेंड्स बीच में, लेकिन यहाँ उसी हिसाब से काम हो रहा है कि बीच में रोक कर एक बार इन लोगों को कुछ खिलाया जाए, इन लोगों को आखिर इन लोग भी है ना काम सुबह से कर रहे हैं तो पेट भी भरना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इसके आगे की वीडियो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट में आएगी फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स।